एक आदमी शाम को ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक बड़ा सा बोर्ड दिखा लगा हाँ, हुआ हाँ। उस पर लिखा हुआ था कि नीचे जो लिखा है उसको ज़रूर पढ़े जी। और नीचे उसके अंदर सर लिखा हुआ था कि कल मेरे सब्सक्राइब कीजिए सबका हेल्प यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका हेल्प में। दोस्तों, आज मैं सूरत में एक बार फिर से अजमेरा फैशन के यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। यहाँ पर आने का रीज़न यही बनता है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, जो यहाँ की क्वालिटी है, जो यहाँ का डिज़ाइन है, कलर है, वो यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट ही है। मतलब उसका जो लुक है वो आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सर जो है साड़ी, लहंगा, सूट इसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये जो क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सर को चीज़ें अच्छी चाहिए, इनका मानना ये है कि अगर चीज़ें अच्छी होंगी तो मार्केट में ज़्यादा सेल होगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर जी, क्वालिटी तो है ही है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं उसके अंदर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका व्यापार नहीं चलने वाला है। बिल्कुल सर। एक दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी बिज़नेस अगर आपने सिर्फ आपके लिए सोच के किया तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। आपको सामने वाले का कुछ ना कुछ हेल्प करने के हिसाब से, मदद करने के हिसाब से आपको वो बिज़नेस करना होगा, तभी आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होता है, हो सकता है। एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताऊं, मेरे को बहुत अच्छी याद आई अभी। एक आदमी शाम को ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक बड़ा सा बोर्ड दिखा लगा हाँ, हुआ हाँ। उस पर लिखा हुआ था कि नीचे जो लिखा है उसको ज़रूर पढ़े जी। और नीचे उसके अंदर सर लिखा हुआ था कि कल मेरे 50 रुपये इसी चौराहे पे गिर गए थे, कृपया जिसको भी मिलते हैं नीचे लिखे पते के ऊपर लौटा देवें। और साथ में लिखा था कि भाई मैं बहुत ही गरीब हूँ, ये 50 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो उस आदमी ने देखा तो नीचे एड्रेस लिखा हुआ था उसका, तो उसने सोचा यार ये 50 रुपये इन बुढ़िया को, जो उसमें लिखा था कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ हाँ। और मेरे लिए 50 रुपये बहुत मायने रखते हैं जी जी। तो बोले इस बुढ़िया की हेल्प करनी चाहिए अपने को हाँ, उसको अपने को नहीं भी मिले हैं कोई बात नहीं, अपन ये 50 उसको देके उसकी मदद कर सकते हैं जी। तो वो जो एड्रेस उसको लिखा हुआ था नीचे उस गली के अंदर लास्ट कोने में जब जाके देखता है तो वहाँ पे एक टूटा फूटा सा मकान होता है उस एड्रेस के ऊपर, तो वो आवाज़ देता है कि कोई है, तो एक बुढ़िया निकल के आती है, लगभग ये समझिए 80-85 साल की उनकी उम्र होगी जी। और वो जाके उनको बोलते हैं माँ जी कल आपके जो 50 रुपये उस चौराहे पे गिर गए थे वो मेरे को मिले हैं और मैं आपको लौटाने आया हूँ। इतना सुनते ही वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है उससे कि बेटा पता नहीं किस फरिश्ते ने वो बोर्ड वहाँ पे मेरी मदद करने के हिसाब से लगा दिया है, हैं, और कल से न जाने कितने लोग मेरे पास ये 50-50 रुपये लेके आए हैं, अब मैं ये रुपए तुमसे नहीं लूँगी और तुमसे मेरी हाथ जोड़ के विनंती है कि तुम जब जाओ तो ये फाड़ते हुए चले जाना जी। तो वो सोच के एकदम उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला नहीं अम्मा जी मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, ये 50 रुपये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और उसने ज़बरदस्ती उनको वो 50 रुपये दिए और बुढ़िया ने ये शर्त रखी कि मैं ये तुमसे 50 रुपये तभी लूँगी जब तुम वो बोर्ड वहाँ से हटा दोगे। ठीक है, वो उसने 50 रुपये दे के वो वहाँ से निकल गया और वो रास्ते भर सोचते हुए आया कि ये माँ जी ने न जाने कितने लोगों को ये बोर्ड हटाने के लिए बोला होगा लेकिन किसी ने भी नहीं हटाया है, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। और उस जिसने उसकी मदद करी उसके बारे में सोच के वो मतलब एक उसके मन में ऐसा आया, आंसू निकल गए उसके कि अगर किसी की कोई मदद करना चाहता है तो किसी भी रूप में कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। कितना बढ़िया तरीका उसने उस बुढ़िया की मदद करने के लिए लगाया था, सोचिए।
और उसकी हेल्प करवाई। बहुत बड़ी चीज़ है सर ये। तो आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ है, हजारों रास्ते हैं उनकी मदद करने के लिए। एक ये बिज़नेस भी वो रूप हो सकता है। तो आप ये सोच के बिज़नेस मत कीजिए कि सिर्फ मुझे कमाई करनी है, आप ये सोच के बिज़नेस कीजिए कि मुझे किन लोगों की हेल्प करनी है। सर आप हमारे दर्शकों को आज क्या दिखाने वाले हो? आज सर मैं कुछ सूट की वैरायटी अभी बहुत अच्छी आई हुई है और डिमांड भी बहुत अच्छी, लेटेस्ट जो चल रहा है, तो मैं आपको वो चीज़ें एक बार नज़र करवाऊंगा पूरी, जिससे व्यूवर्स को भी पता लगे कि कैसी है क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस गोडाउन के अंदर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर जो सूट की विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर डिजाइंस हैं और कलर हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे, आप देख सकते हो। एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इनका पूरा गोडाउन कैसा है, आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सर आज हमें आप दिखाने वाले थे सूट। बिल्कुल सर। तो आप एक एक करके हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। बिल्कुल सर, मैं व्यूअर्स को पहले नमस्कार बोलना चाहूँगा। ये देखिए सर, ये प्रिंटेड सूट है सर। अच्छा, प्रिंटेड सूट है। हाँ जी सर। इसका जो फैब्रिक है ये कॉटन है सर, पीसी कॉटन बोल के आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इसका सूट का टॉप हो गया है। इसे टॉप बोलते हैं। हाँ जी, ये टॉप हो गया। इसमें कई डिजाइन आते होंगे। जी बिल्कुल, ये कैटलॉग डिजाइन है। कैटलॉग में 7 से 8 डिजाइन का कैटलॉग रहता है, जिसमें अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कलर्स रहते हैं। ये क्या है? ये सूट का टॉप बॉटम हो गया सर। अच्छा, ये बॉटम है। जी बिल्कुल, ये भी कॉटन है। इसके साथ में और कुछ आता है? बिल्कुल सर, इसका दुपट्टा भी आता है। ये प्रिंटेड दुपट्टा है इसका सर। प्रिंटेड दुपट्टा। हाँ जी, ये देखिए लुक भी काफ़ी अच्छा है इसका। ये देखिए, इसमें इस टाइप के 8 डिजाइन 8 कलर्स आते हैं। ये भी सर प्रिंटेड सूट ही है। कॉटन है ये भी? बिल्कुल सर, ये भी कॉटन है। ये पूरा एकदम प्रिंट किया हुआ सूट है। ये इसका बॉटम है, ये भी प्रिंटेड है। फर्स्ट वाले में जैसे अपन ने देखा प्लेन था उसका बॉटम, इसमें ये प्रिंटेड दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया सर। हाँ, इसमें भी दुपट्टा होगा साथ? बिल्कुल सर, ये भी प्रिंटेड है। ये प्रिंटेड है, ये इसका दुपट्टा है सर। कैटलॉग में कितने पीस होते हैं? 6 से 8 पीस कैटलॉग में होते हैं सर। 6 से 8 पीस होते हैं? बिल्कुल। तो मतलब 6 से 8 पीस आप अपना जो है ले करके? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कैटलॉग जो पैकिंग रहती है सर, वो कस्टमर को पूरी पैकिंग पूरा कैटलॉग लेना रहता है। हाँ। जिसमें 6 पीस आते हैं या 8 पीस आते हैं। दिखाइए। बिल्कुल सर, ये भी कॉटन पे ही सर है, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन कपड़े पे पूरा वर्क किया हुआ है, हेवी वर्क किया हुआ है। क्या बोलते हैं ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं? ये सर स्कर्ट हो गया टॉप। अच्छा, स्कर्ट। हाँ, टॉप का स्कर्ट हो गया। हाँ, हाँ। जो नीचे की साइड जो पोर्शन आता है सूट में। अच्छा, ये जो डिजाइन यहाँ पे, ये पूरे सूट पे डिजाइन बनी हुई है। बिल्कुल सर। हाँ। ये पूरे धागे की रेशम की डिजाइन बनी हुई है। अच्छा, ये इसका बॉटम है सर। बॉटम है? हाँ जी, ये भी कॉटन ही, कॉटन बिल्कुल प्योर कॉटन है सर। इसमें भी कई कलर मिल जाएंगे? बिल्कुल सर। और इसका दुपट्टा? ये रहा सर, ये इसका दुपट्टा है, इसमें भी फुल वर्क किया हुआ है सर। ये नाजमीन का दुपट्टा है। इसका दुपट्टा तो काफी खूबसूरत है। बिल्कुल, इस कपड़े को नाजमीन बोलते हैं सर। जी जी जी, नाजमीन। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो किया गया है, ये कढ़ाई वगैरह, ये? हाँ जी सर। ये हैंड से किया गया है या फिर ये मशीन वर्क है सर? मशीन बिल्कुल बिल्कुल, मशीन से होता है पूरा वर्क यहाँ पे सूरत में। हाँ। ये भी कॉटन पे सर, पूरा रेशम के धागे का वर्क किया हुआ है। हाँ। ये इसका नेक है, गला वर्क है पूरा। ये फ्रंट का है? बिल्कुल, ये फ्रंट ही है सर पूरा। हाँ। ये नीचे स्कर्ट हो गया पूरा इसका। ये वाला जो डिजाइन ये बना हुआ है? हाँ, ये बॉर्डर बना हुआ है सर नीचे। बिल्कुल, बॉर्डर के ऊपर रेशम का वर्क किया हुआ है पूरा एकदम। और इसके बाद में बॉटम, ये इसका बॉटम है। ये बॉटम है इसका? जी। और ये है इसका? ये इसका दुपट्टा सर। दुपट्टे पे भी सर देख रहे हैं, पूरा वर्क किया हुआ है, हेवी वर्क किया हुआ है, और पूरी दुपट्टे में बॉर्डर लगा हुआ है। काफी खूबसूरत है इसका फैब्रिक सर। ये फैब्रिक कौन सा है इसका? ये नाजमीन का दुपट्टा है सर। नाजमीन का, कॉटन का पूरा सूट है और नाजमीन का दुपट्टा है। नेक्स्ट दिखाइए। बिल्कुल, इसमें सर इस पैकिंग इस टाइप से आती है। अच्छा, इसका? बिल्कुल। हाँ, इसमें भी 5-6 पीस होते हैं? बिल्कुल, 4 पीस का पैकिंग आता है। ये पाउच पैकिंग बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, पूरा इस टाइप से। नेक्स्ट दिखाइए। ये सर देखिए, ये हेवी वर्क आ गया फिर इस पे। अच्छा, ये तो ये नहीं, ये सर कॉटन नहीं, ये कैम्ब्रिक है। अच्छा। कैम्ब्रिक कपड़ा बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, ये मुलायम काफी है। बिल्कुल सर,
ये पूरा हेवी नेक पे वर्क किया हुआ है, डायमंड का पूरा वर्क किया हुआ है सर। हाँ, ये डायमंड का वर्क तो है, और इसमें जो बॉटम है इसका, बिल्कुल सर ये इसका बॉटम है सर, ये बॉटम है, ये भी कॉटन का है, ये कॉटन है। अच्छा, इसका दुपट्टा, और ये सर इम्पोर्टेड फैब्रिक का बना हुआ दुपट्टा है, काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल सर इम्पोर्टेड फैब्रिक है ये सर, इम्पोर्टेड फैब्रिक। इसका लुक भी काफ़ी शानदार है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, एकदम कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा दिया गया है और सूट के कलर से मैच हो सके इसलिए ये इस पर बॉर्डर लगाया हुआ है, लगाया गया है बिल्कुल। नेक्स्ट आइटम दिखाइए, ये देखिए सर और भी हेवी है, थोड़ा फैंसी है, पूरे डायमंड का वर्क किया हुआ है, डायमंड यहाँ ऊपर से लेके नीचे, बिल्कुल बिल्कुल सर लगा हुआ है, पूरा नेक में भी डायमंड का काम किया हुआ है। ये जो ये क्या है, जरदोजी इसे क्या बोलते हैं, ये सर धागा वर्क है, जरी वर्क है, जरी वर्क बिल्कुल दोनों मिक्स है, फिर ऊपर से हैंड वर्क किया हुआ है सर। हाँ, इसका भी बॉटम बिल्कुल, ये प्योर कॉटन में है? नहीं सर, ये चंदेरी पे है सर। अच्छा अच्छा, ये इसका बॉटम है, ये इसका दुपट्टा है और दुपट्टे में पूरा वर्क किया हुआ है, साथ में बॉर्डर भी लगा हुआ है पूरा। ये देखिए सर, सर ये किस कपड़े में है? ये कैमरिक पे है, पूरा डिजिटल प्रिंट किया हुआ है सर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चीज़। सर ये बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है सर, बहुत है और काफ़ी सुंदर भी है। इसमें ये केटलॉग की डिजाइनें आती है सर, पूरा अलग अलग डिजाइनें, अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं इसमें, जिस कलर का फूल पत्ती या डिजाइन प्रिंट की हुई है उसी का बॉटम लिया गया है इसमें सर। हाँ हाँ, इसका बॉटम दिखाइए सर। बिल्कुल सर, ये बॉटम, ये देखिए, और इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है सर, पूरा प्रिंट किया गया, प्रिंटेड है और नाजमीन पे है सर। काफ़ी सॉफ्ट है ये कपड़ा इसका, और सुंदर भी है बिल्कुल। ये देखिए सर, पूरे दुपट्टे में धागा पर रेशम का वर्क किया हुआ है, ये और धागा वर्क बिल्कुल सर, फिगर की डिजाइन बनाई हुई है। हाँ, इसमें बटन स्पेशल लगाए गए हैं और नीचे बॉर्डर दिया गया है पूरा। जी जी, और इसका जो बॉटम है, बिल्कुल सर ये इसका बॉटम है सर, ये बॉटम है। हाँ, ये इनर दी गई हुई है सर। अच्छा सर, इसके साथ में ये भी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है सर, पूरा प्रिंटेड दुपट्टा है सर। चलिए नेक्स्ट दिखा लीजिए, एकदम हेवी रेंज है सर जी। पूरा हैंडवर्क का काम किया हुआ है और एकदम स्मूथ कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा, सिल्की टाइप का बेस है सर इसमें। जी जी, ये देखिए। अच्छा, इसी के साथ में जो इसका जो मैचिंग है वो, हाँ जी, ये बॉटम है उसका, ये बॉटम बिल्कुल, ये बॉटम है दोस्तों, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, टॉप भी सर अलग डिजाइन दी गई हुई है। ये वाला टॉप है? हाँ, ये पूरा टॉप है सर। अच्छा, ये पूरा टॉप है जी, बिल्कुल। और इसका दुपट्टा देखिए, बनारसी पैटर्न के साथ डिजिटल प्रिंट, काफ़ी शानदार है देखने में, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा। बिल्कुल सर, ये पूरा बनारसी पैटर्न पे बनाया हुआ है सर, और ये पूरा स्पेशल डिजिटल प्रिंट किया हुआ है इस पर। इसका कोई कैटलॉग वगैरह? हाँ जी सर, इसका कैटलॉग ये है सर, जिसमें बहुत सारी डिजाइनें अवेलेबल रहती है इस टाइप से, अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न, इस तरह से आपको कई कलर्स और कई डिजाइन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आइटम दिखाइए सर। जी सर, एक ये भी कैटलॉग आइटम है सर, ये भी 3 पीस में अवेलेबल रहता है। ये सर इसका टॉप है, अच्छा, पूरा जैकार्ड का टॉप बनाया हुआ है सर, अलग है। बिल्कुल सर, एकदम हेवी फैंसी लुक देता है सर। आने वाले समय में इसकी काफ़ी डिमांड हो जाएगी, क्योंकि अभी भी इसका डिमांड काफ़ी है। ये स्कर्ट तो टाइप में सर इसका बॉटम बनाया हुआ है, पूरा स्टिच, सेमी स्टिच किया हुआ है, नीचे हैंडवर्क का काम किया हुआ है, पूरा जरी का वर्क है ये वाला। ये देखिए, बिल्कुल वाला पोर्शन, ये पूरा जरी वर्क किया हुआ है, साथ में हैंडवर्क किया हुआ है, और ये इसका दुपट्टा है सर। दोस्तों, यहाँ पर दिखाने के लिए तो मैं आपको अगर एक एक करके दिखाता जाऊँगा तो वीडियो कभी एंड होगा ही नहीं, इतना माल इनके पास है। आप एक बार यहाँ पर आओगे तो आपको सारी वैरायटी और सारे कलर, सारे डिजाइंस, उसकी जो प्राइस हैं वो प्राइस भी आपको यहाँ पर बताया जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका प्राइस क्यों नहीं बताया जा रहा है,
आगे जो लोग इसे सेल करने के लिए होलसेलर्स ले जाते हैं उनको सेल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर रिटेलर जो उस कस्टमर जो होता है रिटेलर से जो कस्टमर लेगा अगर वो जान जाएगा कि इतने में ये माल बिक रहा है तो उसे सेल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको इसका जो प्राइस है वो नहीं बताया जा रहा है। तो एक बार आप यहाँ विजिट करो और उसके बाद में यहाँ पर आपको सारी प्राइस, सारे कलर, सारे डिज़ाइन दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैंने बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर, बहुत सारे डिज़ाइन आपको दिखा दिए हैं। आप यहाँ से माल को परचेज़ कर सकते हो। सर का नंबर, एड्रेस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इनको कॉल करके आप पूछ सकते हो और यहाँ से आ करके आप माल ले सकते हो, अपना बिजनेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। सर बहुत से लोग होते हैं बिजनेस करने से डरते हैं जो गांव के रहने वाले होते हैं। जी जी जी। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, और ये कहानी नहीं ये रियल है। हाँ हाँ। सर मेरा जो घर है वो रोड पे ही है। अच्छा। तो वहाँ पे क्या था कि एक दिन बारिश होने लगी जी। और मैं घर पे ही था, एक व्यक्ति बाइक से आया, वो अपनी बाइक को लेकर के आया, क्योंकि बारिश तेज हो रही थी तो उस पर वो कपड़े पीछे रखे हुए। अच्छा। काफी कपड़े ठीक, सेल ठीक, करने ठीक, के लिए जी जी, जैसे जी, उसमें साड़ी था, लहंगा था, समझ गया। हाँ हाँ। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप ये बताओ कि आप ये बिजनेस करते हो गांव-गांव जा करके बाइक से जी, आप डेली का कितना कमा लेते हो? तो उस बंदे ने कहा कि भैया मैं दिन का कम से कम जो है 2,200 रुपये आराम से कमा लेता हूँ। वेरी गुड। मैंने उससे पूछा कि आपने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है? तो उसने बताया कि यही कोई 10,000 से 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया है जी जी, और 2,000 से 2,200 रुपये आराम से कमा लेता हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि आप इसमें बाइक से जाते हो तो इसका कुछ खर्चा भी आपका लगता होगा? फिर उसने बोला कि 150 रुपये एक दिन का लगता है, पेट्रोल वेट्रोल का लग जाता है। हाँ हाँ ठीक बात है। मेरा 2,000 रुपये आराम से बच जाता है, कहीं नहीं जाता है। बिल्कुल, और मैं पर डे जाता हूँ बिल्कुल आराम से 1,500-2,000, इससे एवं भी कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो बंदा 10,000 से 15,000 रुपये सर लगा करके और 2,000 रुपये रोज कमा सकता है, तो आप 20,000 से 25,000 रुपये लगा के अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हो? सर अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ भी माल लेते हो, जो आपके एरिया के होलसेलर हैं वहाँ भी माल लेते हो, आपको वहाँ पर थोड़ा सा महंगा मिलेगा। लेकिन यही बिजनेस अगर आप घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के सेल करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से आकर के 20,000 से 25,000 रुपये लगा के और आप यहाँ से माल ले करके उसके बाद आप अपने उसे घर पर रखिए, आप गांव गांव जाकर के सेल करिए, या आप अपनी एक शॉप ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आप उसको रखिए और माल को सेल कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एक ना एक दिन अच्छा बन के दिखाओगे, बड़ा बन के दिखाओगे और अच्छा खासा मुनाफा आप अर्न करोगे। इसको जो ये आप बिजनेस करने का जो तरीका बताए थे इसको हम लोग बोलते हैं फेरी वाला, ये फेरी सिस्टम। हाँ, होता हाँ, है हाँ, इसको फेरी सिस्टम बोलते हैं। कई हमारे होलसेलर हैं सर जो सिर्फ और सिर्फ आगे फेरी वालों को देते हैं, वो दिन की 100 साड़ी उनको देते हैं बेचने के लिए, वो साइकिल के ऊपर रख के ले जाते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं साइकिल पे बेचते हैं, जो शाम तक बिका जो मुनाफा वो अपना रख लिया, बाकी पैसा उसको दे देते हैं दुकान वाले को लेके। तो सोचिए जब ये इतना एक छोटे रूप में कोई भी आदमी व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, आप ये वीडियो देखने के लिए बैठे हैं सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ करने की तमन्ना जागी है, तभी आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। तो सर जब ये तमन्ना जागी है तो इसको सोने मत दीजिए, कोशिश कीजिए, आपको 100% कामयाबी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपको एक और बिजनेस आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।